हाई गाइज गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू अनदर सेशन ऑन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल स्पेशल सीरीज इसके अंदर हम लोग इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में कुछ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे मैंने पिछले सेशन में बताया था उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में डाल दिया है जिसमें मैंने बताया था कि आई आर एम एस की एक नई नोटिफिकेशन आई है जिसमें बताया गया है कि दो हज़ार तेईस में आई का एग्जाम होगा 2023 में आई का एग्जाम एक्सपेक्टेड है ठीक है अब इस एग्जामिनेशन की uh, की डिटेल्स मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी थी यहाँ पे मैं क्या बात करने वाला हूँ इस सेशन में हम लोग फोकस करने वाले हैं इस चीज पे कि आई के एग्जाम के लिए कौन सा स्टूडेंट किस तरह से तैयारी करे इफ यू आर अ प्रेशर विच मीन्स दैट यू आर योर फाइनल ईयर या फिर अभी फाइनल ईयर कंप्लीट करके तैयारी शुरू की ही है थोड़े टाइम पहले नंबर वन या फिर आप एक एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो जो कि यूपीएससी की, की तैयारी दो तीन बार कर चुका है प्रॉबेबली फेस्ड फेलियर्स बट इट्स फाइन यू हैव एक्सपीरियंस वॉट द अदर स्टूडेंट इज येट टू एक्सपीरियंस तो इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए आई की जो स्ट्रेटेजी है या जो तरीका है पढ़ने का वो क्या होना चाहिए अब ये चीज़ ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जैसे सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट्स फॉरेस्ट के एग्जाम को सीरियसली देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेस्ट के एग्जाम को निकाल लेते हैं ऐसे ही इनफैक्ट इससे ज़्यादा ईजी तरीके से सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स रेलवेज मैनेजमेंट का एग्जाम निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिलेबस दैट दे हैव स्पेसिफाइड प्लस जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका फाइनल ईयर चल रहा है या फाइनल ईयर अभी खत्म हुआ है दे जस्ट स्टार्टेड विद प्रेप उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शर्त यह है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करना है ढंग से यूज करना तो दोनों के लिए मैंने एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाई है जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि, कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है और क्या नहीं करना है ठीक है और दोनों ही आप यूज कर सकते हो फर्स्टली कोई एक फ्रेशर स्टूडेंट है जिसने जनरल स्टडीज की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं की है सी अभी भी कर रहा है या फिर कभी टच भी नहीं किया है स्पेशली कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सी सेट में थोड़ा वीक होते हैं क्वॉन्ट रीजनिंग इंग्लिश में तो अगर ये एक सिचुएशन है आपने या तो अभी जीएस की तैयारी शुरू ही की है सी सेट पढ़ना ही शुरू किया है यू फील दैट यू स्टिल वीक इन इट बहुत ज्यादा नहीं आता है देन वॉट टू डू इन दिस टाइम पीरियड ऑफ डिसंबर टू मे मे ट्वेंटी को प्रेलिम्स है दो में और सेप्टेम्बर फिफ्टीन से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मेन स्टार्ट है तो आपके पास ये टाइम पीरियड है दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई अप्रोक्सीमेटली छ महीने दिसंबर आधा निकाल दो तो 5.5 आपके पास अभी अवेलेबल हैं इफ यू आर वीक इन देन आई वुड रिकमेंड कि इन पांच महीने से कम से कम चार से साढ़े चार महीने यू शुड बी डेडिकेटिंग टू रिलेम्स ओनली कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी को लार्जली भूल सकते हो थोड़ा थोड़ा थ्योरी कवर कर सकते हो से वंस अ वीक यू पिकअप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वंस अ वीक या अ वीक यू टाइस रिसोर्स मैनेजमेंट वो छोटा छोटा इधर उधर निक्स एंड नैक्स डाल के यू कैन मेक श्योर की मैं बिल्कुल जीरो नहीं हूँ थोड़ा थोड़ा मैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी भी पढ़ रहा हूँ बहुत फ्रेश होगा आपके दिमाग में बिकॉज कॉलेज से निकल के आए हो तो उसका फायदा भी मिलेगा बट लार्जली योर फोकस शुड बी ऑन प्रेलिम्स क्योंकि ये एक बार क्लियर हो गया एंड इफ़ योर फोकस इज आई आर एम एस रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज तो प्रिलिम्स के बाद का जो सफर है वो बहुत आसान हो जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारा प्रीलिम्स तक का बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं अलग तरीके से बात करता ही रहता हूँ फिर आते हैं जून से सितंबर साढ़े तीन महीने का टाइम है आप लोगों के पास और इस साढ़े तीन महीने में किस तरह से तैयारी करनी है गिवन दैट यू आर अ फ्रेश स्टूडेंट जिसने कभी यूपीएससी के लेवल की तैयारी नहीं की सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो समझना होता है कि ये जो दस सब्जेक्ट्स हैं ये सब्जेक्ट्स क्या हैं और इनका कितना वेटेज है यूपीएससी एग्जाम में क्योंकि सेम पैटर्न पे रेलवे मैनेजमेंट होने वाला है तो अगर हम यूपीएससी के दस सब्जेक्ट्स की बात करें अकाउंट्स अकाउंट वेटेज ऑफ फिफ्टी टू सेवेंटी मैंने पेपर वन अलग से लिखा है पेपर टू अलग से लिखा है कॉस्टिंग सिक्सटी टू एट्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वन स्टार मार्क कर लेते हैं ऑडिट थर्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिफ्टी

तो ये सब्जेक्ट्स आपको पहले उठाने हैं ये हमने समझ लिया उठाने सारे ही हैं अब यहाँ पे आप बोलोगे यार ढाई सौ का तो नहीं बन रहा है तो चार के आसपास बन रहा है क्योंकि मैं अज्यूम करता हूं कि चार नंबर का पेपर की जब आप तैयारी करके जाओगे तब ढाई का अच्छे से लिख पाओगे ढाई की ही तैयारी करके जाओगे तो फिर 200, 180 का ही लिख पाओगे जिससे कि सिलेक्शन नहीं होगा तो पूरे 400 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 250 का लिखना होता है चार सौ की तैयारी करके जाओ आराम से ढाई सौ का लिख के आओगे सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा पेपर टू या फिर ऑप्शन टू पे आए तो उसमें चार ही सब्जेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एच आर एम एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एच आर एम में वेटेज में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में बहुत कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं तो ये कवर करना बहुत जरूरी है आई आर आप लास्ट में कर सकते हो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट थ्योरी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अच्छा होता है अगर वो सी ए नहीं है सी ए है तो ये वाला पार्ट अच्छा होता है नॉर्मल बीकॉम ऑनर्स बी कॉम पास कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट अच्छा होता है तो इस केस इस में इसको आप प्रिलिम्स से पहले भी थोड़ा थोड़ा उठा सकते हो जिससे कि बिल्कुल ब्लैंक ना हो रिलिम्प्स के बाद जो साढ़े तीन महीने मिले उसमें ज़्यादा टाइम यहाँ डेडिकेट कर पाओ पढ़ने इसके साथ साथ दो चीज़ें हैं जो करनी हैं क्योंकि हमारा फोकस होना चाहिए हमेशा आउटपुट पर कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा ये कॉलेज के एग्जाम नहीं है कि लिखी आए और हो गया काम यहाँ पर आपको रिजल्ट निकालना है सबसे पहली चीज जो करनी है वो करनी है कि वीक वाइज पढ़ना है सब कुछ फर्स्ट वीक आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाया सेकेंड वीक लेते वीक सब्जेक्ट उठाया थर्ड वीक फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उठाया या फिर फर्स्ट वीक पेपर टू उठाया सेकेंड वीक पेपर वन थर्ड वीक पेपर टू इस तरह से ऑल्टरनेट कर सकते हो जो भी कंफर्टेबल लगे लेकिन पढ़ाई हमेशा वीक वाइज करनी है एक वीक में एक सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करनी है ठीक है कुछ सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं जैसे अकाउंट्स और टैक्स बाकी के सब्जेक्ट्स पॉसिबल हैं एक वीक में एक सब्जेक्ट निपटाना दस सब्जेक्ट्स हैं आठ से दस महीने मतलब दो महीने ढाई महीने में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक महीना और बचेगा पूरा रिवाइज करने में जो कि बहुत अच्छा टाइम है दूसरी चीज जो करनी है वो है वीकली टेस्ट वीकली टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिलिम्स से पहले ही कराते हैं लेकिन वो टेस्ट डले रहेंगे वो टेस्ट आप लोग ले सकते हो प्रेलिम्स के बाद फर्स्ट वीक मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा वीक के एंड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टेस्ट मैंने दिया हुआ है वीकली वो उठा के वो पूरा टेस्ट लिख लिया उसको सैम्पल आंसर से कंपेयर कर लिया कि क्या मैंने सही लिखा है क्या गलत लिखा है सेकेंड वीक उठाए सेकंड वीक में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूरा पड़ा वीक के एंड में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का एक एक घंटे का पूरा टेस्ट लिखना बहुत जरूरी है ये नहीं लिखोगे आउटपुट नहीं आएगा सेलेक्शन हो ही नहीं पाएगा ठीक है ना ये बात ध्यान रखना नंबर थ्री है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट नॉर्मली प्रीलिम्स के इमीडिएटली बाद बात हमें रिकमेंड करता हूँ कि टेस्ट लिखना स्टार्ट करो कॉम्प्रिहेंसिव बट ये एक स्पेशल सिचुएशन होगी क्योंकि तुमने प्रिलिम्स से पहले नहीं पढ़ा कॉमर्स को तो प्रीलिम्स के बाद डेढ़ महीना दे सकते हो डेढ़ महीने के बाद जो दो महीने बचेंगे उसमें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट या आंसर राइटिंग जो कि तीन घंटे के होते हैं वो लिखने जरूरी है मैं प्रीलिम्स के बाद इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सिविल सर्विसेज वालों के लिए भी और रेलवेज मैनेजमेंट वालों के लिए भी आप लोग एक डेढ़ महीने दो महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो डेढ़ महीने का टाइम काफी होता है मेजोरिटी सिलेबस कवर करने का उसके बाद हफ्ते में एक एटलीस्ट तीन घंटे का टेस्ट लिखना जरूरी है अदरवाइज जो भी पढ़ोगे वो नंबर में मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होगा ये हो गई स्ट्रैटेजी फ्रेश स्टूडेंट्स की जो कि अभी तैयारी स्टार्ट करेंगे या फिर जिन्होंने जिनका अभी अभी कॉलेज कंप्लीट हुआ है या फिर 2023 में कंप्लीट होने वाला है एंड दे आर थिंकिंग ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते थे कि मैंने किया तो कॉमर्स से है अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेकिन मैं कोई और सब्जेक्ट उठा लेता हूँ यू सिविल सर्विसेज के लिए अब आई थिंक वो चेंज हो सकता है क्योंकि डेढ़ सौ वेकेंसीज आई हैं रेलवेज मैनेजमेंट में जो कि बहुत बड़ा नंबर है कंपेयर टू सिविल सर्विसेज साढ़े सात सौ आठ सौ सारी वेकेंसीज आती हैं इक्कीस बाईस सर्विस की उसमें से डेढ़ सौ सोलह सर्विसज की उसमें से डेढ़ सौ आपको रेलवेज में मिल रही हैं खाली बिग नंबर तो बहुत बड़ा बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है स्पेशली कॉमर्स अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए कि अपना ऑप्शनल ना चेंज करना पड़े जो एक्सपर्टीज है उसी को यूज़ करके सबसे पहले रेलवे मैनेजमेंट का एग्जाम निकाला जाए ठीक है अब आते हैं यूपीएससी स्टूडेंट पे जो कि एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट दे चुका है मतलब ऑलरेडी सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है तो उसको क्या करना चाहिए प्रीलिम्स से पहले और प्रीलिम्स के बाद दिसंबर और दिसंबर से लेके फेबररी तक तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको रिविजन करना है कॉमर्स का थ्रू वीकली टेस्ट जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं तो ये ऐसे ही चलते रहने दें इसको छेड़े ना मार्च अप्रैल में तीन महीने प्रीलिम्स की तैयारी करें इस टाइम पे ऑप्शनल को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है जून से सितंबर अब यहाँ पे दो डिवीजन क्रिएट होंगे एक तो वो स्टूडेंट जो खाली आईआरएमएस देने का सोच रहे हैं बहुत सारे होंगे ऐसे जो सोच रहे हैं यार इस साल खाले आई आर देते हैं ब्रेक लेते हैं सिविल सर्विसेज नहीं देते हैं एक दो बार दे चुके हैं नहीं हो रहा है सिलेक्शन इन स्टूडेंट्स को ये सेम अप्रोच फॉलो करनी चाहिए तीन महीने साढ़े तीन महीने हैं तुम्हारे पास इससे ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं मिल सकता इसको अच्छे से यूज करो दो ही चीज मैंने बोली है जो रेगुलरली करनी है वीकली टेस्ट सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज और वीकली टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अगर ये दोनों कर लिए आपने साढ़े तीन महीने लग के नोबडी कैन यू फ्रॉम क्लियरिंग द एग एग्जाम उसके बाद दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज भी देंगे और आई आर एम साथ में देने का सोच रहे हैं तो सिविल सर्विसेज तो की तैयारी के साथ साथ उनकी रेलवेज मैनेजमेंट की तैयारी भी हो जाएगी उनके पास टाइम कम होगा नॉर्मल सी बात है क्योंकि उनको जनरल स्टडीज भी पढ़ना है एस भी पढ़ना है आंसर राइटिंग करनी है जी की साथ में ऑप्शनल uh, को भी उठाना है तो उनके लिए बेस्ट अप्रोच होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेके आंसर राइटिंग करें क्योंकि आपने सिलेबस ऊपर कंप्लीट कर लिया है अब उसको रिवाइज करना है रिविजन का बेस्ट तरीका है जितने ज़्यादा क्वेश्चन उठाओगे आंसर करोगे उतने नंबर ज़्यादा आएंगे ये बस ध्यान रखना है इसको लिख के रख लीजिए जो खोली खाली आई दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यू गेटिंग ओनली यू गेटिंग थ्री एंड हाफ मंथ्स टू कवर जस्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो कि इतना बड़ा भी नहीं है कि साढ़े तीन महीने लगाएं एक महीने में ईजिली रिवाइज करके अगले ढाई महीने अगर टेस्ट के थ्रू कवर करोगे रिवाइज करोगे बार बार रिमेंबर करने की कोशिश करोगे बहुत अच्छा पेपर आप कर सकते हो इसी को एक्चुअल रियलाइज करने के लिए या फिर इसको आ, सच्चाई में बदलने के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि सबसे पहले तो वीकली टेस्ट चल रहे हैं जो फेबररी तक चलेंगे प्रीलिम्स के बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट चलेंगे जिसमें कि हर वीक तीन घंटे का टेस्ट लेंगे आपको लिख के वापस देना है उसको इवेल्युएट करके मैं दूंगा और उसके साथ साथ एक लंबा सेशन भी होगा छः सात घंटे का जिसमें उस तीन घंटे में जो भी पेपर आपने लिखा उसको डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि समझ सको कि क्या गलतियां करी हैं क्या गलतियां नहीं करी हैं जिससे कि नेक्स्ट टेस्ट में सेम मिस्टेक्स ना हो नेक्स्ट टेस्ट में आप इंप्रूव कर सको ठीक है ना तो ये सारे इश्यूज थे आई के अराउंड ये स्ट्रैटेजी मैं समझाना चाहता था आई के अराउंड जिससे कि जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकें और जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि ये एग्जाम नया आया है और ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो उसको यूज कर पाएं स्पेशली फ्रेशर्स जो कि अभी कॉलेज से निकले हैं या निकलने वाले हैं कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है, है तो ये एक नंबर है जिससे यू कैन टॉक टू द काउंसिलर्स मेरे टीम के और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं शुभमशा से बात करना चाहते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट की स्पेशलाइज टीम से बात करना चाहते हैं देन यू कैन आस्क these काउंसलर टू टॉक टू दैट टीम एज वेल ठीक है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो यहाँ पे वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल के भी बता सकते हो जो भी क्वेरी है आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज आउट हेयर itself. सेल्फ ठीक है कोई कोर्स से रिलेटेड या फिर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो उससे रिलेटेड भी कुछ डाउट्स हैं तो लिख भी सकते हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर या फिर कॉल भी कर सकते हो ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट काइज एल सी यू वेरी वेरी सुन टेक केयर बाय बाय जय हिंद